हैदराबाद सिटी ये पुराना शहर में बहुत लेट नाइट मैरिजेस का मामला बहुत साल से चल रहा है। इससे उन लोगों का नुकसान हो रहा है और आजू बाजू रेजिडेंशियल एरियाज को, पर्टिकुलरली ये स्टूडेंट्स को, ये बड़ा बड़ा एग्जाम्स होता है लेकिन ये तीन मार बाजा और ये बारात इशू में बैंड, कोई डीजे साउंड, कोई पटाखा का नॉइस और लेट नाइट तक ये पूरा ऑर्केस्ट्रा औरतों से नाचना गाना, पूरा एरिया में लैंड ऑर्डर का तकलीफ हो रहा है। हमेशा रात में पूरा मेन कंट्रोल को, साउथ जोन कंट्रोल को पूरा फोन आ रहा है। क्योंकि ये लेट नाइट ये बाजा और बारात और पटाखा और लेट नाइट ऑर्केस्ट्रा नाचना गाना ये पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। सो इसीलिए हमारा कमिश्नर हैदराबाद सिटी कोतवाल ये पूरा प्रोबिडी ऑर्डर्स दे चुका है क्योंकि 11 बजे से के बाद किसी रूप से म्यूजिक नहीं प्ले करना और डीजे से तो पूरा मना है। ये राम शोभा यात्रा, हनुमान शोभा यात्रा और गणेश, कोई बकरीद का मामला और बोनालू मिलाद नबी का, ये किसी पोजीशन पे ये डीजेस अलाउ नहीं कर रहे हैं 100%, क्योंकि ये डीजे साउंड में बहुत पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम आ रहा है और ये बीमारी लोग, बुढ़े लोग का बहुत परेशान हो रहा है। इसीलिए हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग हमारा संस्कृति संप्रदाय ट्रेडिशन में कुछ लेट नाइट हो रहा है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा गिरकेस्ट्रा उनका संप्रदाय में है, ट्रेडिशन में नहीं है। और ये हथियार से नाचना ट्रेडिशन में है नहीं है पर्सनल लॉ में, और लेट नाइट ऑर्केस्ट्रा नाचना गाना पटाखा ये बारात, क्योंकि एक महीने के पहले एक मर्डर हुआ था, खून हुआ था, क्योंकि ये हथियार का ये नाचना नाचना में ये फायदा उठा के उन लोगों को स्टैबिंग कर रहा है। सो ये सब चीज़ मना करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम भी ये जामिया निजामिया का हेड वाइस चांसलर को थोड़ा बोल दिया, ये ट्रेडिशन और पर्सनल लॉ में थे नहीं है, क्योंकि बहुत देर से ये लोग नाचना शुरू कर रहा है, वो पब्लिक परेशान हो रहा है और लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, वो स्टैबिंग्स ज़्यादा स्टैबिंग्स हो रहा है और पटाखा में पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। सो इसी में जामिया निजामिया मुफ्ती का ये खलील जी, वो थोड़ा उन लोग पत्तवर रूप से उन लोगों को गाइडलाइंस दे चुका है। ये पूरा गाइडलाइंस हमारा जो प्रोबिटी ऑर्डर्स हमारा कोतवाल साहब पेश किया है उनके अंदर है। सो अंदर मतलब उनका सपोर्टिव है। सो इसीलिए ये इम्प्लीमेंट करना हमको बहुत आसान हो गया। हम ये पूरा फंक्शनल वालों को, ऑर्गेनाइजर्स को, मैनेजर्स को बहुत बस्ती से एरियाज में उनको संभाल के वो सोचना है ये कि लेट नाइट का ये पूरा मैरिज शादी रूप से ऐसा कर रहा है, क्योंकि हमारा पुलिस कोई अपने पर्सनल शादी का एंटरटेनमेंट जिंदगी भर एक बार आएगा, हम एग्नेस्ट नहीं है, किसी को पर्सनल फीलिंग्स को हट करने के लिए हम किसी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन कानूनी का इम्प्लीमेंट करना है। वो ये कानूनी ये सब लोगों का सेफ्टी, ये एरिया का लैंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर ये कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में उन लोग रिलीजियस साइड से ये क्लैरिफिकेशन ले लिया। ये भी क्लैरिफिकेशन हमारा कानूनी का
सपोर्टिव में चल रहा है, इसीलिए बहुत आसान है। अभी शुरू हो गया, लेट नाइट मैरिजेस बंद करना शुरू हो गया। ये पूरा अमन शांति से ये पब्लिक ऑर्डर बहुत अच्छा है, उन लोगों के भी अननेसरली खर्चा भी कम हो जाएगा। हम किसी तरफ से किसी पर्सनल लॉ को में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे 100%, क्योंकि हर एक लॉ को रेस्पेक्ट करना है। यहाँ 90-80% से ज़्यादा मुसलमान कम्युनिटी है, उनका लॉ को रेस्पेक्ट करना है। तो इसीलिए वो रिलीजियस एक्ट को थोड़ा क्लारिफिकेशन ले लिया। अगर दूसरा क्रिश्चियंस को, हिंदूज को और एक है, तो ये पूरा बंद कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हिंदूज को भी अर्ली मॉर्निंग मैरिज चल रहा है, लेकिन 11 बजे को बंद कर रहा हूँ। सेम टाइम यू आर डीलिंग विद अदर कम्युनिटीज आल्सो। अदर कम्युनिटीज सो ऑलरेडी वी आर डीलिंग वेरी हार्श एंड स्ट्रिक्ट मैनर। एंड मुसलमान कम्युनिटी, क्योंकि 80% का ज़्यादा लोग पुराना शहर में है, उन लोगों का पर्सनल ला, उनका फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करना है। तो रेस्पेक्ट करने के मामला में उनका रिलीजियस एक्ट भी थोड़ा बोल दिए, ये कर सकता है, ये क्या है, आप पर्सनल ला में है, ये पर्सनल फीलिंग्स में कुछ हम ऐसा करेगा तो उनका हर्ट हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, कोई परेशान हो जाएगा, बोल दिया। तो वो लोग कैटेगरी कर ली अच्छा रूप से, नहीं नहीं ये नाचना गाना हमारा पर्सनल इश्यू में नहीं होता, और बड़ा लेट नाइट बारात, लेट नाइट गाना नाचना भी हमारा नहीं है, ऐसा क्लारिफिकेशन दे। ये अच्छा है, सभी कम्युनिटी के लिए अच्छा है। जो कानून इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, प्रोहिबिशन ऑर्डर्स बाई CP सर, क्योंकि DJ मना है, 11 के बाद में कोई नाचना गाना कोई मना है। सो इसीलिए कुछ उन लोगों का कोई लेट नाइट में हो रहा है, कुछ आर्गुमेंट्स में हुआ था, क्योंकि हमारा लेट नाइट में होता है, हमारा ट्रेडिशन है ये। सो ये ट्रेडिशन का रेस्पेक्ट मामला में किसी को नहीं हट करने के लिए हम उन लोगों को क्लारिफिकेशन ले लिया, बस इतना ही है। उन लोगों का इंटरफेयर करने के लिए नहीं है ये। दूसरा हिंदू लोगों का मैरिज अर्ली मॉर्निंग होता है 2 बजे 4 बजे, लेकिन हम नहीं अलाउ कर रहा हूँ, 11 बजे को बंद करना है पूरा। ये खाना गीना कोई कुछ 20-15 लोग से वो मंगलसूत्र धारण वो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको का अगर नुकसान आ जाएगा तो उनका केस लगा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग होता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में 20-15 लोग काली ऐसा करके उनका करना है, कोई म्यूजिक, कोई नाचना, कोई मंत्र, कोई रिसाइटल, ये बिल्कुल बंद है। आवर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेफ्टी, ये पुराना शहर में 30 लाख का ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों का सेफ्टी, उन लोगों का कंफर्टेबिलिटी। अगर एक आदमी 100 मेंबर्स नाचना गाना करके इतना DJ लगाएगा तो इतना हजारों को लोग क्या करना है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है, नींद नहीं होता, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता। सो इसीलिए जो कानूनी है, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, उसके अंदर हम काम करना पड़ेगा, कर रहा हूँ। लेकिन करने के पहले कुछ रिलीजियस का फीलिंग्स में रेस्पेक्ट करके ये क्लैरिफिकेशन लाया। जब तक पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं होता, पुलिस नहीं इंटरफेयर नहीं होता। इस्लाम एक पाकीज़ा और सब का ख्याल रखने वाला और सबकी मदद करने वाला मज़हब है। इस्लाम हर ऐसी चीज़ को नापसंद करता है जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो, जिससे लोगों को तकलीफ़ हो और लोगों के लिए हरज का बाइस बने, उन तमाम चीज़ों से इस्लाम रोकता है। फतवे का मतलब यही है कि इस्लाम के जो अहकाम हैं, शरीयत के जो अहकाम हैं, उसको बयान किया जाए, उसको लोगों पर वाज़े किया जाए, इसी का नाम फतवा है, ताकि लोग अपने मज़हब के मुताबिक अमल करें।
اس کون نہیں جانتا کہ اسلام میں ناچ گانا موسیقی اس قسم کی تمام چیزیں حرام ہیں ناجائز ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے. اسی طرح ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسلام میں اوقات کی پابندی کا بڑا جو ہے لحاظ رکھا گیا اور اس کی سختی سے تاکید کی گئی تاکہ لوگوں کو کوئی حرج نہ ہو، اور یہ جو وعدہ ہے کہ ہم فلاں وقت نکاح کریں گے، فلاں وقت یہ فلاں چیز ہوگی، یہ وعدہ ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی بات کا جو وعدہ ہے اس کو پورا کرے، یہ اسلام کا حکم ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن بھی وعدہ پوچھا جانے والا ہے. اسی طرح جو ہے اور دیگر جو خرابیاں ہو رہی ہیں نکاح میں تاخیر اور تقریب میں رات دیر گئے تک اس طرح کے جو عملیات ہیں یہ مسلم معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں. اور حدیث شریف میں آیا کہ تم لوگ اگر کسی برائی کو دیکھو خرابی کو دیکھو تو اس کو روکو. تو اس لحاظ سے یہ فتویٰ احکام شریعت کی روشنی میں دیا گیا، اس کی پابندی کرنا یہ سارے مسلمانوں کے لیے مفید ہے اور سارے ملت کے لیے فائدہ مند ہے، اس میں اصلاح معاشرہ بھی ہے اور سارے لوگوں کے لیے سہولت و رحمت کا باعث ہے. میں یہاں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کی پابندی کریں. بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس اس میں مداخلت کر رہی ہے، یہ کیسا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ اس بات کو سمجھ لو کہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہماری شریعت کی بات کہے اور ہمارے مذہب کی بات کہے تو کیا یہ برا ہے؟ اور ہمارے مذہب کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہے تو کیا یہ برا ہے؟ اس کے کسی کے بولنے سے پہلے ہم کو عمل کرنا چاہیے. پولیس اس حد تک یہ کر رہی ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے دیگر کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے مذہب میں مداخلت کرنا اس کا کام نہیں ہے. اور اس میں وہ ویسی کوئی بات کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، یہ احکام شریعت بتلائے گئے. پولیس یہ کرے کہ تمہارے مذہب میں ایسا تم ایسا کرو. یہ ناچ گانا نہ ہو تو تقاریب کا دیر گئے تک جاگنا اور دیر گئے تک یہ ساری چیزیں کرنا یہ بھی جو ہے بگاڑ کا باعث ہے اور اس کی وجہ سے کئی خرابیاں لاحق ہو رہی ہیں. اسی کے پیش نظر کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے کم سے کم وقت میں تکمیل کرو. کیوں؟ کہ بہت سارے لوگ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، دفتروں کو جانے والے، مدرسوں کو جانے والے اور کاروبار کو جانے والے، اتنی دیر گئے تک اگر یہ سب جاگتے رہیں تو ان کے نمازوں میں بھی خلل ہے، ان کے کاروبار میں بھی خلل ہے اور دیگر کئی مسائل جو ہے اس میں بگاڑ بن رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کو اس مقصد میں کہاں تک کامیابی حاصل ہوتی ہے. کیمرامین محمد اسماعیل کے ساتھ عظیم شیخ، فیکٹ نیوز، حیدرآباد.